शरीर में जितनी भी ग्रंथियां रहती हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं कि नहीं, ग्लैंड्स हैं, तो उनको ये कंट्रोल करती है। अपने जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, या हार्मोन्स का स्राव होता है ग्रंथियों से, वो सब हार्मोन्स स्रावित करने का काम है। हार्मोन्स जैसे अश्रु ग्रंथि है, आंसू वाली ग्रंथि, आंसू एक हार्मोन है, स्रावित कर रही है, सीक्रेशन जिसको कहते हैं। तो जितनी भी ग्रंथियां हैं, वो यहाँ जो एक ग्रंथि पाई जाती है पीयूष पिट्यूटरी, वो नियंत्रित करती है सबको, ठीक है। और ये इसके ये दो भागों में ये बटा होता है, लेफ्ट और राइट, और पीछे आगे से पीछे की ओर चलें तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसके बारे में आप लोग क्लास में पढ़ोगे। यदि ये नॉर्मल लगता हमें तो 37 होता, मतलब लगभग 37 होता ऐसा हम मान सकते हैं। हमें ये गर्म लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसका तापमान 37 से अधिक है, ठीक है। तापमान भी चार प्रकार के होते हैं, सेल्सियस वाला, फ़ारेनहाइट वाला, रोमर और केल्विन वाला। फ़ारेनहाइट में करेंगे तो कुछ और ही आएगा, 32 आएगा, कितना आएगा, 32 आएगा। तो 0 डिग्री में ये जमता है और 100 डिग्री में ये उबलता है, याद रहेगा सबको जी। फिर से बताओ, थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है, ठीक है। ये जो विषय वस्तु वाली जो परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, उसके साथ यूपीएससी तक की परीक्षाओं में, यानी कि सबसे बड़ी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न जरूर आता है।